हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम रेस्टो। आज हम बनाएंगे आम पन्ना। गर्मियां शुरू हो गई हैं तो आम पन्ना से बहुत ढेर सारे हमें फायदे मिलेंगे, जैसे लू से बचाएगा और गर्मी में अगर हम बाहर से आ रहे हों तो धूप से बचने के लिए भी हम आम पन्ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। जो घर में हमारे पास चीज़ें होती हैं हम उसी से बनाएंगे। तो चलिए फिर आम पन्ना की रेसिपी आपके साथ बनाना शुरू करते हैं। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने आम लिया हुआ है, तो दो कच्चे आम है ये, तो इसको पहले हमें छील के और इसको पहले काट लेना है। तो पहले इसको छील के तैयार करते हैं। इसको पहले ऐसे ही हम पहले छिलनी से छील लेते हैं। आम को मैंने छील के ऐसे काट लिया है, कई पीसेज में कर दिया है, मतलब इसको रफली ऐसे ही काट के रखना है। अब एक छोटा सा पैन ले लेंगे, कोई भी पतीला, तो उसमें जो आम मैंने कट करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे। अब इसमें करीब 2 कप के हिसाब से पानी डाल देते हैं। अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि आम जो है अच्छे से पक ना जाए और पूरी अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बॉयल कर लेते हैं। आम में एक उबाल आ गया है तो अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने लिया हुआ है जैसे अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने 2 टुकड़े में ऐसे कर दिया हुआ है ये है, और करीब 10 से 15 दाने काली मिर्च के हैं, और 2 इलायची है। इलायची को मैंने ऐसे थोड़ा सा इसको हल्का सा कूट दिया था खलनी में, तो एक साथ ही हम इसमें डाल देंगे। इससे जो आम पन्ना का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको करीब 1 से 2 मिनट बस हमें पकाना है, ताकि जैसे ही इसका फ्लेवर हमें आ जाए इसमें पानी में। तो पहले इसको 1-2 मिनट पका लेते हैं, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। 1 मिनट के लिए और मैंने इसको उबाल दिया है, तो आम जो है खूब अच्छे तरीके से पूरा सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। तो गैस को आप बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। पहले आम का पल्प जो है वो अब ठंडा हो गया है, तो अब इसको एक मिक्सर जार में डालते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी चीनी। चीनी डालने के बाद से मैंने 1 चम्मच ये जो साबुत सौंफ होता है इसको पानी में लगभग 1/2 घंटे पहले इसको भिगोया है, तो ये पानी सहित ही इसमें डाल देंगे। इससे फ्लेवर आम पन्ना का बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे तोड़ के। अब इसको हमें पीसना है, तो मिक्सर चलाते हैं और एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आम के पल्प को यहाँ पे मैंने फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको छान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने छलनी लिया हुआ है, नीचे एक बर्तन लगाया है, अब इसमें डालेंगे, इसको पलट के छान देते हैं। बस इसको अच्छे से मैंने ऐसे छान लिया है, ऐसे दबा के प्रेस करके। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये थिक सा आम पन्ना जो बनाया है इसको हम क्या करेंगे, इसको फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे 15-20 दिन आराम से चल जाता है, और जब कभी भी आम पन्ना पीने का मन हो तो इसको निकाल के बना के पी लेना है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे सर्व करते हैं। सबसे पहले हम ग्लास लेंगे और आइस क्यूब डालेंगे, जितना ठंडा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आइस क्यूब ले लेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम ले लेंगे जो आम पन्ना बना के रखा हुआ है थिक वाला, वो ले लेंगे। दोनों ग्लास में 2 से 3-3 चम्मच डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। ये ध्यान रखना है कि जीरा को हल्का सा भून के ही डालें, फ्लेवर उससे अच्छा आएगा। तो दोनों ग्लास में 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे भुना जीरा पाउडर। स्वाद के हिसाब से काला नमक लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दोनों ग्लास में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। अगर आपको ज़्यादा, जैसे कि जो बनाया हुआ है पन्ना वो ज़्यादा रखना हो तो वो यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 से 3 चम्मच डाला था, तो आप बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं 1-1 कप के हिसाब से। अब इसको मिला लेते हैं चम्मच से अच्छे से, ताकि जो हमने डाला है जीरा पाउडर और नमक वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गर्मी में ठंडा ठंडा आम पन्ना बन के तैयार हो गया है। तो आप आम पन्ना की रेसिपी अपने घर पे ट्राई करिए इस गर्मी में लू से बचने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।